हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा है और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत कम है। सो रिएक्टिविटी जो है इन मेटल्स की वो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे वो इंक्रीज करती है। सो नाउ डिस्कसिंग द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, we will discuss their reactivity towards the air. तो आपके जो अल्कली मेटल्स होते हैं they get tarnish in air. किस वजह से? क्योंकि इनके ऊपर क्या है, ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है और ये ऑक्साइड एक बार बन गया तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करता है। मतलब मेटल है, एयर के साथ रिएक्ट किया तो पहले ऑक्साइड लेयर बन गई इसके ऊपर, वो ऑक्साइड ने मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया तो अब क्या बन गया इसके ऊपर, हाइड्रोक्साइड। दीज बर्न विग्रेसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग द ऑक्साइड। तो इनकी क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी जल्दी बर्न करते हैं ऑक्सीजन में एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। तो जैसे लिथियम जो है वो आपका मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, जैसे अगर आप यहाँ पे लिथियम को इस तरीके से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं सो दिस गिव्स द लिथियम ऑक्साइड। तो ये हमारा लिथियम ऑक्साइड बन गया। सोडियम जो है वो परऑक्साइड बनाता है, जैसे सोडियम को ऑक्सीजन के साथ आपने हीट किया सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द परऑक्साइड फॉर्मेशन। और बाकी के जो मेटल्स हैं आपके दे फॉर्म द सुपर ऑक्साइड, जैसे कि रुबीडियम, पोटेशियम, सीजियम, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सुपर ऑक्साइड। सो द सुपर ऑक्साइड क्या होता है आपका, O2 माइनस। ये आयन जो है काफी ज्यादा स्टेबल है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज कैटायंस, दैट इज द पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। तो यहाँ पे आपका जो सुपर ऑक्साइड फॉर्म होता है वो सिर्फ आपका लार्ज जो आपके कैटायंस होते हैं दैट इज द पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, इनके साथ ही यहाँ पे ये स्टेबल होता है। अब इसका रीजन क्या है कि इस तरीके के ऑक्साइड्स क्यों फॉर्म होते हैं। अब जो लिथियम प्लस है इसका साइज क्या है, काफी छोटा है तो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो काफी ज्यादा होती है तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज को काफी अच्छे से अपने पास पकड़ के रखता है। सो इट डज नॉट परमिट द ऑक्साइड आयन दैट इज O2 माइनस कि वो किसी और ऑक्सीजन के साथ जाके कंबाइन करे। खुद का इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर इतना ज्यादा है कि इसका किसी और के साथ ही इसका कंबाइन नहीं होने देता। अब जो Na प्लस है उसका साइज तो लिथियम प्लस से साइज से थोड़ा ज्यादा है तो इस वजह से क्या होगा कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है वो लिथियम प्लस के कंपेरिजन में थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये क्या कर पाता है कि मतलब O2 माइनस को रोक नहीं पाता कि वो किसी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके O2 माइनस बना ले। तो ये O2 माइनस जो है ये किसी और ऑक्सीजन के पास जाता है और इस तरीके से O2 माइनस का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है। अगर आप जाते हैं K प्लस, रुबीडियम प्लस और सीजियम प्लस पे, इनका तो साइज और ज्यादा बड़ा है, साइज ज्यादा बड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस उतना ही कम हो गया। तो ये क्या करते हैं, दे कैन नॉट प्रिवेंट इवन दी परऑक्साइड, जो कि ये परऑक्साइड फॉर्म हुआ है इसको फर्दर ये किसी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने से नहीं रोक पाते। तो ये क्या करता है, दूसरे ऑक्सीजन के पास जाता है और इस तरीके से O2 माइनस जो है आपका फॉर्म हो जाता है। तो ये कैसे फॉर्मेशन होती है, O2 माइनस जो है आपका इस तरीके से पहले परऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, दिस विल रिएक्ट विद द फर्दर ऑक्सीजन टू गिव यू सुपर ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपका जो सुपर ऑक्साइड है वो फॉर्म होता है। अब आपका जो यहाँ पे इस तरीके से ये कंपाउंड जो है आपके फॉर्म हो गए। सो ऑन इन ऑल दी ऑक्साइड्स दी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके अल्कली मेटल की वो +1 ही होती है। सभी में आपका जो ये अल्कली मेटल है यहाँ पे ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आपको मिलेगा। लिथियम जो है इसका जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स द नाइट्रोजन तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सो लिथियम शोज द एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन ऑफ एयर एंड इट फॉर्म्स द नाइट्राइड। तो ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली जाके सीधा उसके साथ ही वहां पे रिएक्ट करता है एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर नाइट्राइड्स। नाउ बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर एंड वाटर, अल्कली मेटल्स जो है इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है।
आपके जो लैब्स में आप सोडियम वगैरह देखेंगे तो उनको हमेशा कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। जैसे ही सोडियम आपका वाटर की एक भी ड्रॉप के कांटेक्ट में आया तो एकदम से आग लग जाती है, मतलब वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतनी इजीली फायर कैच करता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो इसी तरीके से बाकी जितने भी आपके अल्कली मेटल्स हैं, दे आर सो रिएक्टिव दैट दे हैव टू बी प्रिजर्व प्रॉपरली, उनको अच्छे से स्टोर करके रखना पड़ता है, इसलिए दे आर कैप्ट इन दी कैरोसिन ऑयल। तो इस तरीके से ये इनकी रिएक्टिविटी थी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, यू कैन से टुवर्ड्स द। सो हियर इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2? सो इट इज अ सुपर ऑक्साइड एंड एज वी ऑलरेडी नो कि यहाँ पे हमारी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +1। द सुपर ऑक्साइड स्पीशीज उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि अब ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये -1 है तो दिस विल बी +1। तो यहाँ पे पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई हमारी, +1। एयर, थैंक यू।